हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्कशीट 73। इन दिस वर्कशीट, यू नो स्टूडेंट, वी विल डू ग्रामर प्रैक्टिस। दिस वर्कशीट इज इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वर्कशीट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स डू दिस वर्कशीट। Choose the correct options to fill in the blanks to complete the below note about film festivals. नीचे जो है आपको fill in the blanks करना है, ये film festival के बारे में है और इसमें आपको correct options जो है MCQ के रूप में दे रखे हैं। तो ये आपको पता है ये MCQ के रूप में क्यों आने लगे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से आपके सिलेबस की रैशनलाइजेशन की है, जिसमें आपके क्वेश्चंस के पैटर्न जो है MCQ में है। तो इससे आपके ग्रामर सेक्शन काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको आंसर को सिलेक्ट करना इजी हो जाता है। तो देखिए हम करते हैं। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यस, फिल्म फेस्टिवल्स blank all over the world with the aim of providing a common platform for the cinematographers of the world. जो film festivals हैं वो पूरे संसार में celebrate किए जाते हैं इस aim से कि वो एक common platform हो, सभी पूरे संसार के जो cinematographers हैं उनके लिए एक common platform provide करते हैं। तो blank में हमारे पास देखो options में है, is celebrated, are celebrated, being celebrated, is celebration। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसमें फिल्म फेस्टिवल देखिए हमारी नॉन लिविंग थिंग है। जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो हमें पता है कि वर्ब हमारी क्या होगी, पैसिव फॉर्म में होगी। अब फेस्टिवल्स क्या है, हमारा प्लूरल है और इसमें प्लूरल वर्ब होगी। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, देखो इज सेलिब्रेटेड जो है इसमें इज जो है वो सिंगुलर है तो ये नहीं हो सकता। बी में आर है, बिल्कुल ये हो सकता है। सी में बींग सेलिब्रेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए तो ये नहीं हो सकता। डी क्या है, इज सेलिब्रेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो हमें वैसे ही हिंट मिल गया है कि इसमें क्या आएगा, आर सेलिब्रेटेड। अब ऑप्शंस आने से ये देखो और भी ईजी हो गया है, आपको बिल्कुल ईजीली पता लग गया है कि फेस्टिवल्स है तो इसमें आर आएगा। और जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आर सेलिब्रेटेड। तो फर्स्ट का आंसर आएगा बी, आर सेलिब्रेटेड। अब सेकंड करते हैं, देखिए आगे देखिए। सच फेस्टिवल्स ब्लैंक कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग द फिल्म कल्चर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस इन द कंटेस्ट ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल इथोस। ये जो फेस्टिवल है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये फिल्म कल्चर्स क्या करते हैं, जो डिफरेंट नेशंस है उनके सोशल कल्चरल्स जो उनके बिलीफ्स हैं उनके बारे में हमें डिफरेंट नेशंस में कैसे कैसे बिलीफ्स हैं, कल्चर क्या है वहाँ का, लोग कैसे रहते हैं, ये सब हमें इनसे पता लगता है। ऐसे फेस्टिवल हमारी हेल्प करते हैं। तो सच फेस्टिवल्स, अब हमें इसमें पता लग गया कि आर ही आएगा। हमारे ऑप्शंस में देखिए प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ ए और डी ऑप्शन में है, तो या तो इसका ए होगा या डी होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए सच फेस्टिवल्स, अब हमें ये भी पता लग गया कि इसमें क्या आएगी, पैसिव फॉर्म आएगी अगर मेन वर्ब होगी तो। तो इसमें देखो हेल्पिंग है तो हेल्पिंग तो पैसिव फॉर्म नहीं है ना, या तो पैसिव फॉर्म आएगी या इज मार्क का स्ट्रक्चर आएगा जिसके बाद हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सही आंसर क्या है, आर हेल्पफुल इन। सच फेस्टिवल आर हेल्पफुल इन, आर हेल्पफुल इन आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे आपको अपने माइंड में ट्रिक्स रखने हैं कि इसमें आर हेल्पिंग इन क्यों नहीं आया, क्योंकि हेल्पिंग क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट काम करता, एक्टिव होता, एक्टिव वॉइस होता तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सच फेस्टिवल, फेस्टिवल्स कोई काम नहीं कर सकता है, तो इसमें या तो पैसिव फॉर्म आएगी, हेल्प आएगा। तो इसमें जो है हमने देखा सेंटेंस में इसमें इज मार का सिंपल यूज था, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, आर हेल्पफुल इन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड का क्या आंसर था हमारा, आर हेल्पफुल इन। अब थर्ड वन देखते हैं हम। ओके, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं फिल्म फेस्टिवल्स की, जैसे इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस फिल्म, बच्चों की फिल्मों का फेस्टिवल होता है, डिजिटल फिल्म्स, वाइल्ड लाइफ फिल्म्स, जंगली जीवों की लाइफ के ऊपर वाइल्ड लाइफ फिल्म्स, स्पोर्ट्स फिल्म्स एट्सेट्रा।
ब्लैक फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया विच द फिल्म मेकर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट टू हैव देयर वर्क कंसिडर फॉर स्क्रीन। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, फिल्म मेकर जो अपने वर्क को इसमें दिखाना चाहते हैं स्क्रीनिंग के लिए जो सिलेक्ट होती है उनके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो अब हमें इसमें देखिए फेस्टिवल्स, फेस्टिवल नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा, या तो कोई फ्रेजल वर्ब आएगी या हमारा क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा। तो देखते हैं हम ऑप्शंस, देखते हैं हम मैनी ऑफ द फिल्म। अब मैनी ऑफ द फिल्म जो है वो कोई मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मैनी फिल्म हो सकता है। तो ये फ्रेजल वर्ब होती है मोस्ट ऑफ द फिल्म, एनी ऑफ द फिल्म नहीं हो सकता, नहीं कोई भी फिल्म नहीं, सम ऑफ द फिल्म कुछ फिल्म नहीं, मोस्ट ऑफ द फिल्म। तो इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द फिल्म, ज़्यादातर फिल्म फेस्टिवल्स जो है, मोस्ट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि फिल्म मेकर्स को वो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है वो मीट करना, तभी वो स्क्रीनिंग के लिए कंसिडर की जाती हैं उनकी मूवीज़, फिल्म मेकर्स को मूवीज़ को। ओके अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिल्कुल ही आसान है आपके ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें हमें क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये देखिए बी, चूज द राइट ऑप्शंस दैट रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। हमें जो है यहाँ पर जंबल्ड दे रखे हैं और हमें उनके ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट है, अब एमसीक्यू आ गई तो हमें ऑप्शंस से ही अपने आंसर को निकालना है, वो इजी हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट है एक्सरसाइज फोर हेल्प गुड डूइंग इज। तो इसमें देखो कितने वर्ड्स हैं, पहले हमें वर्ड काउंट कर लेने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हैं। और नीचे हम देखेंगे सिक्स वर्ड जो हैं, ये देखिए इसमें इज टू टाइम्स आ गया, तो ये नहीं हो सकता। सिक्स वर्ड किसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें सिक्स है देखो, और वही वर्ड हैं जो हमारे क्वेश्चंस में है, डूइंग एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, और ये मीनिंगफुल भी है। तो इसका आंसर है बी, डूइंग एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये फर्स्ट टिप्स होती हैं, जितने वर्ड्स आपके क्वेश्चन में होते हैं उतने ही आपके मीनिंगफुल सेंटेंस में होने चाहिए। तो इसी से ही आ गया, देखो नेक्स्ट वाले में देखो सेम वर्ड नीड, नीड जो है क्वेश्चन में नहीं था, इसमें नीड आ गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो छोटे छोटे टिप्स भी आपको आनी चाहिए स्मार्ट बनने के लिए, जल्दी से आंसर्स देने के लिए। अब सेकंड देखिए, डे अवेयर देयर हेल्थ दीज पीपल आर मोर ऑफ, तो हम ऑप्शन से ही इसका आंसर इजीली निकाल लेते हैं, पीपल मोर दीज डेज, तो ये गलत है, इसके अरेंजमेंट गलत है, मोर पीपल आना था, पीपल से पहले मोर आना था, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत आंसर है। बी देखिए, मोर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ दीज डेज, तो इसमें देखिए आप जो आपने देखने हैं सबसे पहले कि सारे हमारे आ गए कि नहीं आ गए हैं, इसमें कितने वर्ड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, तो ये क्या है, मोर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ दीज डेज। अब देखिए इसमें मोर पीपल है, और नीचे वाले ऑप्शंस में भी सेम वर्ड है, लेकिन उसमें क्या है, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, लोग जो है इन दिनों अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। अब मोर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ दीज डेज, ज़्यादा लोग, मतलब इसमें कंपेरिजन हुआ है, लेकिन इसी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अवेयर ज़्यादा हुए, अवेयर को क्वालिफाई कर रहे हैं मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, तो इसका सी ऑप्शन सही है, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ आर इन अवेलेबल मैनी फूड्स ऑल्सो द मार्केट, तो इन द मार्केट मैनी हेल्थ फूड्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अरेंजमेंट जो है वर्ड्स भी सारे हैं, और देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो ए ऑप्शंस जो है हमारा सही है, और जो है बी और सी गलत हैं, मैनी हेल्थ फूड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसमें देखिए ये कोमा लगा दिया है, ये हालांकि सब्जेक्ट मैनी हेल्थ फूड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, तो इसमें ये गलती है कि यहाँ पर कोमा नहीं आना था, हेल्थ फूड्स मैनी आर अवेलेबल ऑल्सो इन द मार्केट, ये भी हमारा गलत है, तो इसका आंसर है हमारा ए। तो स्टूडेंट, ये आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।